अर्थराइटिस यानी गठिया, एक ऐसी समस्या जिसके बारे में अक्सर लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ उम्र दराज लोगों की ही परेशानी है, जबकि हकीकत ये है कि आजकल 35 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों में भी इसकी शिकायत बढ़ती जा रही है। नमस्कार, मैं हूँ ज्योत्सना पाटनी और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी लाइव होम रेमेडीज। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गठिया से पीड़ित लोगों के लिए एक होम रेमेडी। गठिया अब एक ऐसी बीमारी का रूप ले चुकी है जो बिना किसी की उम्र देखे उसे प्रभावित कर सकती है। हालांकि 50 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों में गठिया की समस्या बहुतायत में देखी जाती है और उस पर जो लोग मोटापे से ग्रस्त होते हैं ऐसे लोगों पर इनका ज्यादा असर होता है। गठिया किसी एक कारण से नहीं होता बल्कि वाइटामिन डी की कमी से मरीज की उंगलियाँ, घुटने, गर्दन, कोहनी के जोड़ों में दर्द की शिकायत होने लगती है। चलिए अब गठिया के लक्षणों पर भी बात कर लेते हैं। गठिया से पीड़ित व्यक्ति के घुटनों में दर्द होता है, घुटने या हड्डियों के जोड़ लाल हो जाते हैं, चलते समय दर्द महसूस होता है, सीढ़ियां चढ़ना और सीढ़ियां उतरना बेहद ही कष्टकारी हो जाता है, चलते समय हड्डियों से कट कट की आवाज आती है। आपको बता दें कि गठिया शरीर में यूरिक एसिड के बढ़ जाने से उत्पन्न होने वाली बीमारी है। अगर समय रहते इसका इलाज ना किया जाए तो घुटनों को प्रत्यारोपित करने की नौबत भी आ सकती है, इसलिए बेहतर होगा कि समय रहते इसका उपचार किया जाए। और खास इसी वजह से हम आपके लिए लाए हैं गठिया की होम रेमेडी। इसके लिए आपको चाहिए हरी मूंग दाल का सूप, ताजा लहसुन और मेथी के बीज का पाउडर। तो चलिए बिना समय गवाए आपको बताते हैं इसे कैसे करना है तैयार। सबसे पहले हरी मूंग दाल का सूप तैयार करें। सूप के तैयार होते वक्त उसमें ताजा 5 से 6 लहसुन की कलियां साबुत डाल दें। इसके बाद इसमें मेथी के बीज का पाउडर मिलाएं और हल्की आंच पर पकने दें। ध्यान दें कि जब ये गैस पे हो तो इस मिश्रण को धीरे धीरे चम्मच से चलाते रहें। 2-3 मिनट तक पकने के बाद इसे गैस से उतार लें और बस आपको गठिया के दर्द से राहत दिलाने वाला आयुर्वेदिक नुस्खा तैयार। तो देखा आपने गठिया के भयंकर दर्द से राहत दिलाने वाला घरेलू नुस्खा कितना आसान है। तो अगर आपको गठिया की समस्या है तो एक बार इस नुस्खे को अपने घर पर जरूर आजमाएं और आजमाने के बाद इसके फायदे आपको कितने मिले हमें कॉमेंट कर बताएं। इंडिया टीवी लाइव का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर हमें जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो लाएं तो आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। जाते जाते हम बस इतना ही कहेंगे, अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए और इंडिया टीवी लाइव के साथ जुड़े रहिए।